यूपी में योगी सरकार आई, 6 साल में कर दी यूपी से माफियाओं की सफाई। माफियाओं की 15,77,75,33,352 रुपए की गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्ती की कर दी कार्रवाई। 10,98,62,60,262 रुपए की अवैध संपत्ति माफियाओं से कब्जा मुक्त कराई। योगी सरकार यूपी में वो कर दिखाई जिसकी उम्मीद जनता ने वर्षों से लगाई। योगी के यूपी में अब दूर दूर तक दिखाई नहीं देते माफिया और दंगाई। देश के अंदर अपराधी या तो जेल के अंदर है या राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल चुका है, उसके लिए देश के अंदर दूसरी कोई जगह नहीं बची हुई। जब योगी सरकार ने सत्ता में आते ही वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद जनता ने वर्षों से लगाई थी। आज इस खबर में हम आपको बताएंगे कैसी योगी सरकार ने एक एक माफिया की लिस्ट बनाई और उनको मिट्टी में मिलाई। किस माफिया की कितनी संपत्ति सरकार के खाते में आई, यकीन मानिए आप ये पूरी खबर देखकर सीएम योगी के हमेशा के लिए फैन हो जाओगे। योगी के द्वारा किए गए एक्शन के बारे में पूरा सुनकर जमकर दोनों हाथों से तालियां बजाओगे। इस खबर में आपको एक एक माफिया के गुनाहों के हिसाब की पूरी कहानी बताएंगे आप, जिसे देखने के बाद आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ये वीडियो उन माफियाओं के लिए आंसू बहाने वालों तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश यानी वो राज्य जिसे माफियागिरी के लिए जाना जाता था, उसी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सत्ता में आई और यूपी में आतंक मचा रहे माफियाओं को बुरे दिन की आहट देने लगी थी सुनाई। इसीलिए सत्ता में काबिज होने के बाद लगभग 6 साल में योगी सरकार वो करके दिखाई जिसकी उम्मीद जनता ने वर्षों से थी लगाई। सत्ता में आते ही योगी सरकार ने टॉप मोस्ट माफियाओं की सबसे पहले एक सूची बनाई। उसके बाद योगी सरकार इन माफियाओं के कलेजे पर जमकर बुलडोजर चलाई। तभी तो यूपी की सत्ता में रही वो पार्टियां इनको अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाई, वो योगी के माफियाओं पर एक्शन को देखकर जमकर चिल्लाई और शोक मनाई। वहीं यूपी की जनता अपने मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए बुलडोजर वाले एक्शन को देखकर अपने मुखिया को नए नाम यानी प्यार से बाबा बुलडोजर बुलाई। यही वजह है कि यूपी की गद्दी पर सीएम योगी को दोबारा बिठाई। देखते ही देखते यूपी के बड़े बड़े माफियाओं के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाई। वो माफिया जिनकी धमक के आगे यूपी में रही सरकारें बेबस और लाचार नजर आती थी, क्योंकि यूपी की सत्ता में रहने वाली कुछ पार्टियां अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को चुनाव लड़ाती थी। माफियाओं के सड़क पर निकलते ही माफियाओं को अधिकारियों को सलाम करने की तस्वीरें भी लगातार सामने आती थी। बावजूद इसके उस समय सत्ता में रही पार्टियां कुछ भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके राज में इन माफियाओं की धमक कुछ ऐसी होती थी कि सत्ता में रही सरकारें तक हिल जाया करती थी और बेबस और लाचार सिस्टम नजर आया करता था। बावजूद इसके जो भी यूपी की सत्ता में रहने वाली पार्टियां थी वो इनको लगातार चुनाव लड़ाती रही। योगी के सत्ता में आते ही यूपी पुलिस भी नए कलेवर में नजर आई और माफियाओं के एक एक गुनाह का हिसाब कराई। या यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि योगी सरकार यूपी के एक एक माफिया की हस्ती तक मिटाई। बीते 6 साल में योगी सरकार ने 62 माफिया और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ एक्शन लिया। इसके बाद माफिया गैंग के कुल 466 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 406 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। योगी सरकार ने लगभग 6 साल में माफियाओं 15,77,75,33,552 रुपए कुल संपत्ति जब्त की है। साथ ही आपको बता दें कि योगी सरकार ने 10,98,62,60,262 रुपए की अवैध संपत्ति को कब्जा मुक्त भी कराया है। वहीं अब आपको मुख्तार अंसारी पर हुए एक्शन के बारे में बताते हैं, जिसकी धमक कभी पूरी यूपी में सुनाई देती थी, उस माफिया को कैसे ध्वस्त किया गया। मुख्तार अंसारी को 4 अलग अलग मामलों में 10 साल की सजा हुई। इसके बाद मुख्तार अंसारी पर अपहरण और हत्या के कुल 61 मामले दर्ज किए गए। उसके बाद मुख्तार अंसारी की 200 करोड़ की 23 अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ। वहीं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की अब तक 586 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मुख्तार अंसारी की 2100 करोड़ रुपए के काले कारोबार को भी ताला लग चुका है। वहीं बात अगर मुख्तार गैंग की करें तो 288 सदस्यों के खिलाफ कुल 155 FIR दर्ज हैं। वहीं मुख्तार के 202 गुर्गों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार में 66 माफियाओं को चिन्हित किया गया। इसमें अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस अवरक्षा में हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ अनिल दुजाना को UPSTF ने मार गिराया। अब चिन्हित माफियाओं की सूची में मुख्तार अंसारी, सुनील राठी, सुंदर भाटी, बबलू श्रीवास्तव, खान मुबारक समेत 38 माफिया जेल में हैं। 20 जमानत पर बाहर हैं, जबकि 5 की तलाश लगातार जारी है। 5 माफिया फरार हैं, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख का इनामी बदन सिंह बद्दो, राशिद नसीम शामिल हैं। जो 20 माफिया जमानत पर बाहर हैं, उनकी गतिविधियों पर लगातार UPSTF नजर बनाए रखी है। इनमें माफिया डॉन ब्रजेश सिंह, सुनील मूच के नाम भी शामिल हैं। वहीं जो माफिया जेल में बंद हैं, उनको अब उनके एनकाउंटर का भी डर सता रहा है। अब आप इस खबर को देखने के बाद योगी सरकार के द्वारा माफियाओं की तोड़ी गई कमर के बारे में क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। आपको योगी सरकार का एक्शन पसंद आया हो तो एक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।